शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मम्मी तैयारी कर लीजिए, कल रोशनी और मैं सगाई करेंगे। सच में अभय, हम कल सगाई करेंगे? तुमने आज मुझे बहुत खुशी दी है, थैंक यू। लड़का लड़की राजी तो काजी और हम कौन होते कुछ बोलने वाले। मैं दुकान का हिसाब किताब देख के आता हूँ। श्रद्धा, तुम तो इस घर में सब लोगों की पसंद और नापसंद जानती हो, तो तुम मेरी मदद कर दो अभी के साथ सगाई के लिए गहने और कपड़े खरीदने में। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती रोशनी, मगर मुझे अभय ने बिल्कुल मना किया है कोई भी काम करने से। वो मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ ना, इसीलिए है ना अभय। हाँ रोशनी, श्रद्धा को इन सब कामों से दूरी रखना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। सगाई बहुत ही शुभ अवसर होता है और हम चाहते नहीं हैं कि कोई भी अड़चन आए, इसलिए हम सबसे पहले घर में राम दरबार सजाएंगे, उसके बाद पूजा होगी और उसके बाद ही हम सगाई की रस्म करेंगे। वैसे भी अभी अभी अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, पूरा देश राममय है, समय बहुत ही शुभ है। आंटी जी, ये राम दरबार में होता क्या है? घर में राम दरबार की मूर्ति स्थापित करके फिर पूजा की जाती है। इस पूजा से घर में खुशहाली और सुख शांति होती है। और ये पूजा हमें सारी बुरी नजरों से बचाती है। खास तौर से उन लोगों की बुरी नजर से जिनके दिल में हमारे लिए जलन होती है, जैसे नीचे वाले लोग। कल सगाई और पूजा दोनों की तैयारी करनी होगी। कल सुबह सुबह राम दरबार की स्थापना पूजा करेंगे, फिर शाम में सगाई होगी। सब कुछ अच्छे से होगा। अरे कीर्ति, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में? पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ क्या? चार घंटे तक हमारे फर्ज पे ऐसे सवाल उठाए गए जैसे कि हम पुलिस ऑफिसर नहीं, कोई चोर है। ये दुर्गति हुई है मैडम चौकस की कि हमें ना चुपचाप सब कुछ सुनना पड़ा। किसकी वजह से? दीदू की वजह से। श्रद्धा, क्या देखने आई कि हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? कीर्ति, मैंने पहले दिन से ही तुझे सारी बात बताती थी, मगर फिर भी तू नहीं मानी। तो जब गलती तुझसे हुई है तो तू मुझसे ऐसे बातें करेगी? तो क्या चाहती हैं आप, सच्चाई का मेडल दें आपको? आपकी वजह से आज कीर्ति की इतनी बेइज्जती हुई, आपकी वजह से हमारे बेटे कल से जेल में है, और यहाँ आकर हमें हमदर्दी दिखाने की बजाय आप उल्टा हमारी गलतियां निकाल रही हैं। क्या अपने पति को बचाने की कोशिश करना गलती है? नहीं ताई जी, मैं कोई गलती नहीं गिनवा रही हूँ। आप एक माँ हैं, वरुण जी आपके इकलौते बेटे हैं, आप पर क्या गुजर रही है ये मैं समझ सकती हूँ। ताई जी आप जितनी परेशान हैं उतने ही हम सब भी परेशान हैं, मगर वरुण जी ने जो रास्ता चुना उस गलती की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी ना। कौन सी गलती? आप सबके ऊपर छत बचाए रखने की गलती? आप
सबका पेट भरने की गलती आपके अधमरे पति को दवा खरीद खरीद कर जिंदा रखने की गलती वरुण जी ने जो भी किया है ना हमारे लिए उसका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते मगर उनको गलत रास्ता भी तो नहीं चलना चाहिए था ना अरे शर्म नहीं आती आप सबको किसी ने भी दो साल में आकर वरुण जी से पूछा कि तुम पैसे का इंतजाम कैसे कर रहे हो पैसे कहाँ से ला रहे हो हम कोई मदद कर दे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है परेशानी तो नहीं है किसी ने पूछा नहीं और आज जब आपके पति सही सलामत खड़े हैं तो आप लोगों ने वरुण जी को गिरा दिया और अभय की पीठ थपथपाई जा रही है चलिए ठीक वरुण जी ने जो किया सो किया पर आप अपने आप को तो देखिए जब देने वाले हाथ कट गए तो मुफ्त खोर अकड़ दिखा रही है कीर्ति ये कैसी बातें कर रही है तू ऐसा क्या कह दिया कीर्ति ने जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है अरे कीर्ति को छोड़ी हमने देखा है तनुजा को हमारे बेटे के आसपास घूमते हुए पैसों के लिए जब उनका खुद का बेटा कोमा में था और आज आज जब उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है तो हमारे बेटे के जेल जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ताई जी आप मम्मी जी को हमसे ज्यादा जानती हैं उनकी जबान कभी कभार कड़वी हो जाती है मगर दिल से वो वरुण जी को अपना बेटा मानती है वो उनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचती और एक बार पापा जी के बारे में तो सोच कर देखिए उन पर क्या बीती जब उन्हें ये पता चला कि उनके रहते हुए वरुण जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा जानते हैं हम तनुजा को और इसीलिए हमें पता है कि ना उन्हें कल कोई फर्क पड़ता था हमारे लिए और ना ही आज पड़ता है ऐसा मत कहिए दाई जी मम्मी जी ने घर में शांति के लिए राम दरबार की पूजा रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थापना से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा सब ठीक होगा ताई जी हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा किस घर की शांति की बात कर रही हैं आप हाँ अपनी या हमारी क्योंकि जहां तक हम चाची जी को जानते हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ अपने घर की शांति के बारे में सोच रही होंगी कीर्ति इस मकान के भले ही दो हिस्से पर इस घर की छत आज भी एक ही है ये परिवार एक था एक है और हमेशा एक ही रहेगा इसलिए ताई जी मेरी आपसे विनती है आप दोनों इस पूजा में शामिल हो और ताई जी आप तो इस घर में सबसे बड़ी हैं वो आप ही है जो इस परिवार को फिर से जोड़ सकती है जिन रिश्तों में दरार पड़ जाए और उन दरारों में कड़वाहट भर जाए वो रिश्ते दोबारा जोड़ने नामुमकिन है अब हमारे घर की छत अलग है जी अब क्या आपके सवालों का जवाब माँ ने साफ शब्दों में दे दिया अब आप जा सकती हैं श्रद्धा आप यहां से चली जाइए हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं सुना नहीं आपने छोड़ दीजिए हम दोनों को अकेला जाइए कीर्ति एक बार बात समझने की कोशिश तो कर हम आपसे वादा करते हैं माँ कि आपके आंखों में ना ये आंसू हम ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम अपनी जान लगा देंगे पर हम वरुण जी को घर वापस लेकर आएंगे और दीदू को उनके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे अरे अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं हाँ पूजा की सारी सामग्री है ही नहीं रितु हम ना आपको पूरी लिस्ट देते हैं पूजा की सामग्री की क्योंकि पंडित जी तो सुबह सुबह आ जाएंगे ठीक है भाभी
और हाँ, अगर सगाई के लिए भी कोई सामान लाना है तो आप हमें बता दीजिए, बाजार जा ही रहे तो वो काम भी हम खत्म कर लेंगे। हाँ भी, ये क्या? आपके राजा बेटे की जिंदगी में फिर से रोशनी हो रही है और आप है कि इस तरह गुमसुम खड़ी है। हम देख रहे हैं, जब से सगाई की घोषणा हुई आप खुश नहीं हो। भाभी, रोशनी जान झिड़कती है हमारे अभय पर, हो सकता है ना यही राम मिलाई जोड़ी हूं। और वैसे भी हम श्रद्धा से बहुत नाराज हैं। ऋतु, हम श्रद्धा से नाराज हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रोशनी अभय के लिए सही जीवन साथी। अब ऐसा क्यों कह रही है भाभी? श्रद्धा से भले गलतियां होती लेकिन वो परिवार तोड़ने का कभी नहीं सोच सकती, पर रोशनी शायद ऐसी नहीं। भाभी, माना कि श्रद्धा की कमी हम सबको खलेगी लेकिन रोशनी अच्छी लड़की है। हमारी बात मानिए और आप भी इस रिश्ते के लिए मान जाइए क्योंकि आपके बेटे की खुशी इसी में है। जिन रिश्तों में दरार पड़ जाए और उन दरारों में कड़वाहट भर जाए वो रिश्ते दोबारा जोड़ने नामुमकिन है। माना दवा खाने से दिमाग घूमता है पर इतना भी नहीं कि इतना बड़ा टेबल ना दिखे। ओह सॉरी, नहीं भूल गया था, मैडम को तो मुझे परेशान करने में मजा आता है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है बात कुछ बहुत गहरी और गंभीर है वरना अभी तक तो दो तीन उल्टे जवाब दे दिए होते मुझे। श्रद्धा, क्या हुआ? तुम चलो आओ बैठो। क्या हुआ? नीचे ताई जी और कीर्ति भाभी से मिलने गई थी, बहुत सुनाया उन्होंने। क्या हो तुम? कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर ले, मजा आ तुम उसकी बुराई कर जाओ। वो ताई जी जब भी नाराज होती है ना तो मम्मी से भी ज्यादा बातें सुनाती हैं। और कीर्ति भाभी तो पुलिस में पक्का से धक्के वक्के मार के खड़ूसों की तरह तुम्हें बाहर निकाला होगा। अरे यार, क्या चीज हो तुम? खुद अपनी बहन से लड़ सकती हो? मैं कुछ बोल दूं तो आंखें दिखा रही हो मुझे? वैसे कीर्ति भाभी को तो शुरू से मुझसे दिक्कत रही है, कभी मेरी बातें बुरी लगती हैं उन्हें तो कभी मेरी नजर घटिया लगती है उन्हें। शायद इसीलिए मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया होगा। जानते तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, मौका मिला नहीं लगे हम पे लाइन मारने। ये नजर घटिया लगने वाली बात क्या अभय को हमारे पुराने रिश्ते का कुछ याद आ रहा है? मैं जानता हूँ मेरे परिवार को तुमने अपने परिवार से भी बढ़कर माना है, तुम्हें सबकी फिक्र है। अभी सब तुमसे नाराज हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और कुछ वक्त की बात है, तुम देखना वक्त के साथ सबकी नाराजगी चली जाएगी। और हम है ना साथ मिलके सबको मना लेंगे हमेशा की तरह। चलो ना, शादी का कार्ड चुन के उसे प्रिंट करवाना है और फिर कल पूजा में भी तो चढ़ेगा ना हमारे शादी का कार्ड। चलो आओ।
कार्ड चुनने के लिए चाचा जी ने ये सब आपके पास भेजा। आपको क्या जरूरत थी उनके हाँ में हाँ मिलाने की? भाई साहब को हम कैसे मना करते? आपका बेटा जेल में है माँ, और वो अपने बेटे की सगाई के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। आपको देख क्यों नहीं रहा कैसे वो परिवार बेशर्मों की तरह हमारा मजाक उड़ा रहा है? मजाक है? इससे अच्छा तो वो जो गुमशुदा वाला जो पर्चा होता है ना नोटिस का, वो अच्छा होता है। देखो ये देखिए, अब नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, कोई रंगों वाला देखिए ना। मैं आप सबकी कोई मदद करूं? और आप लोग क्या कर रहे हैं? माँ को ये कार्ड भेजकर उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, भाई साहब के बाद भाभी घर की मुखिया हैं, उनकी राय जरूरी है। रिश्ते का लिहाज तो आप कर नहीं पाए, आप चले हैं आप रिश्ता निभाने। और तुम सबसे पहले ना बड़ों का लिहाज करना सीखो। रिश्ता खत्म हो गया बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते। भूलना मत कि आज भी ये तुम्हारे चाचा ससुर है। चाचा ससुर ये हमारे वरुण जी की वजह से थे। अब जब आपको और आप सबको हमारे पति की फिक्र नहीं है तो हम आपकी खुशियों में क्यों शामिल हो? अगर तुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं है तो कम से कम ऐसे बड़ों के सामने अनाप शनाप तो मत बोलना। काबू आप अपनी जबान पर रखें, आपके कारण हमारे घर पे मातम छाया हुआ। कितनी बार आपको बोला हमारी जिंदगी में मत आई? नहीं सुनना, धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल दिया, पर नहीं। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हमें ना आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है? बस कीर्ति भाभी, कीर्ति भाभी अब और नहीं, बहुत हो गया। क्या करोगे? अपने भाई की तरह हमें भी फंसा दोगे, हमें भी जेल भेज दोगे? अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स पड़े हैं और मैंने देखा भी नहीं। अरे वाह, ये वाला कितना सुंदर है। पापा जी मुझे लगता है ना कि आपको यही वाला कार्ड छपने के लिए देना चाहिए, ये देखिए। आप सबको क्या लग रहा है कि मुझे इससे बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ आप सबके दिल में मेरे लिए नाराजगी से ज्यादा प्यार है। अरे बहू हूँ मैं इस घर की, और कार्ड छपने देने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर की बहू नहीं रही, मैं हमेशा इस घर की बहू हूँ, है ना? ऋतु, मंदिर में दिए कौन लगा रहा है? क्योंकि पंडित जी के आने के पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। हाँ हाँ भाभी, श्रद्धा दिए लेकर आ रही है, और हमेशा की तरह उसने पूजा की सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर दी है। आपके लिए वो दिए भी जला देगी। लीजिए, आ गई श्रद्धा। अरे ये
आरती कहाँ है? कमरे से निकली भी नहीं है, सो के उठी कि नहीं? आरती की नाराजगी मुझसे है, लेकिन वो अभय से खुल के बात कर सकेगी। सगाई के बाद उनसे बात करती हूँ। आइए पंडित। ओ पंडित जी आ गए, प्रणाम। आई स्मृति भव, आई स्मृति भव। बेटा आप दोनों भी पंडित जी का आशीर्वाद लो। अखंड सौभाग्यवती भव। आप दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी है, सदा ही ऐसी ही जोड़ी बनी रहे। आयुष्मती भव। पंडित जी पूजा शुरू होने से पहले सारी सामग्री देख लीजिए, किसी चीज की कमी तो नहीं है। आइए। मन्नते मांगनी है भगवान जी से हमारी शादी तोड़ने की, मांग लो श्रद्धा, लेकिन मेरे और अभय की शादी तो होकर रहेगी। ये देखो हम दोनों के नाम एक साथ छपे हैं और अब भगवान जी का भी हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। देख रही हो तुम इसे रोशनी? इसे भगवान का आशीर्वाद नहीं, उनका इशारा समझो। जैसे राम और सीता का नाम जुड़ा रहता है, वैसे श्रद्धा और अभय का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। शादी होगी इसी घर के मंडप में होगी, मगर तुम्हारी नहीं, अभय और मेरी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।